ट करेगा अब आप शॉप पे हो जनकपुरी में गोलियां चल गई शॉप के बाहर मतलब शटर पे गोलियां मार के चले गए लोग आप ती तीन सौ सात की एफ करो इन्वेस्टिगेशन में लगे रहो लेकिन जिसके ऊपर गोलियां चल रही हैं उसका क्या तो, तो ऐसे बैठेगा बच्चा मरेगा बड़ी सिंपल सी बात है दस गोलियाँ चलिए एक तो लगेगी यार बड़ी सिंपल सी बात है तो बात यह नहीं कि देर शुड बी डिबेट ऑन गन लॉज गन कंट्रोल लॉज इन इंडिया बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है डेढ़ सौ करोड़ तो हम हो ही गए ना देर आर चांसेज कि भाई अगर गन ज़्यादा एकदम से बांट देंगे तो हो सकता है कि वायलेंस बढ़ जाए बट ऐसा ज़रूरी नहीं है देर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे गन लॉज मतलब कीपिंग गन इज़ लाइक ए फंडामेंटल राइट वहाँ पे आपके जो गन रिलेटेड वायलेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है अब जैसे अमेरिका में बोला कि भाई स्कूल में शूटिंग हो रही है भाई आगे किसी ने गोली मार दी तो क्या इंडिया में जहाँ गन के इतने जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं जहाँ गन रखना भी अपने आप में क्राइम है उसको दिखाना भी क्राइम है ठीक है चलाना तो है ही तो क्या वहाँ पे कोर्ट के बाहर गोलियां नहीं चल रही है चल रही है बिल्कुल चल रही है कुछ स्टेट तो गाड़ी गाड़ी हाँ। में गोली नहीं, नहीं मारी जा रही है घर रही है। के अंदर घुस के गोलियां नहीं मारी जा रही है क्या शॉपकीपर्स को गोली नहीं मार्च रिपोर्ट तो सारे ही होते हैं जिसमें गोलियां चलेंगी रिपोर्ट तो होते हैं बट मीडिया कितनों को हाईलाइट करेगी वो बाद की बात है तो गोलियां तो यहाँ पे भी चल रही है ना या इट्स ऑलमोस्ट लाइक शूटिंग शूटिंग इज अ नॉन इशू इन द कंट्री ये एक, उस आता नहीं है का बड़ा चल रहा है आजकर. वहां तभी होता है जब कोई बहुत हाईलाइटेड मैटर हो दिल्ली हैंगों वाला मैटर हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब जो कई सारे न्यूज पेपर जो है उसके ऊपर फ्रंट पेज पे उन्होंने दिखाया था शूट कर मतलब एक आदमी पिस्टल लिए हुए ठीक है यार इफ देर इज अ क्रिमिनल एंड ही वायलेट्स द लॉ यू ब्रिंग इम टू जस्टिस लेकिन एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को उसको सेल्फ डिफेंस का राइट ही ना मिले हुँ. मान लो कोई लेडी है अकेली ट्रैवल कर रही है आप एक तरफ तो बोलते हो कि भाई इंडिया में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं आपका फंडामेंटल राइट है गेन करेक्ट अब एक लड़की मान लो दिल्ली से लखनऊ जा रही है या दिल्ली से कहीं चंडीगढ़ जा पंजाब में कहीं पर भी जा रही है राजस्थान में रात के टाइम पर कि कोई क्रिमिनल ये तो देखेगा नहीं ना वो तो गाड़ी देखता है दूर से आती है और मान लो उसके साथ कुछ गलत होने की आशंका हो और वहाँ पर चार पाँच लोग उसको मतलब उसकी गाड़ी रोक लें या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो उसके पास है क्या बचने के लिए कुछ नहीं है ना कुछ नहीं है अब उसके साथ कुछ गलत हो गया तो तब आपका काम क्या होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ब्रिंग द दो पीपल टू जस्टिस तो सेम वाइस इट कैन बी वाइस एवर्स ना राइट right. कि वो पहले खुद को डिफेंड कर ले उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती रहे huh. इन्वेस्टिगेशन तो इवन अदरवाइज होनी है ना वेरी right. इंटरेस्टिंग हमने कभी लाइक इट्स नेवर बीन अ पार्ट ऑफ कल्चर टू बेयर आर्म्स राइट कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट गिव यू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दैट्स इट इट कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके दैट्स इट नथिंग मोर नथिंग लेस राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज देयर लेकिन उसके लिए भी आपकी लिमिटेशन तो ये भी है कि आप एक आ, लिमिट से ज़्यादा बड़ा अगर चाकू है उसकी मैनुफेक्चरिंग भी नहीं कर सकते अच्छा आर्म सेक्ट में तो फिर जो कृपाण आती है बहुत लंबी लंबी कृपाण इज बेसिकली रिलेटेड टू योर रिलीजियस राइट्स वो एक्सेप्शन है ओके okay. ठीक है कृपाण तो छोटी छोटी ही रखी जाती है जर्नली अपने साथ hmm. में अभी कनाडा में शायद किसी ने कृपाण से कोई मतलब किसी बंदे को मारा भी था तो न्यूज़ में था चीज़ें आ रही थी तो अलग अलग हैं यूज़ होती हैं अगर आपके पास कोई चीज़ है तो देखो अगर कोई चीज़ होगी तो उसका यूज़ भी होगा और मिस यूज़ भी होगा करेक्ट यू जस्ट हैव टू कंट्रोल द मिस यूज़ अब इसका एक एग्जाम्पल लूँ आप गाड़ी चलाते हो ठीक मैं भी गाड़ी चलाता हूँ लोग भी गाड़ी चलाते हैं गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया गलती किसकी गाड़ी की या ड्राइवर की ड्राइवर की तो गन की बात अगर आती है तो वाई डू वी एक्चुअली ब्लेम द गन कि गन कंट्रोल करो बंदों को कंट्रोल करो ना देखिए दिस इज एज इट इज एज सिंपल एज दैट राइट आप ट्रिगर दबाने वाले को कंट्रोल करोगे ना गन को तोड़ना आप यू यू कांट से कि भाई गन है तो गन की गलती है